न्यूटन टीचिंग टेक्निक में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में अब बारी है क्लास 10 के एनसीईआरटी की मैथ बुक के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के। तो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दो क्वेश्चन दिए हुए, तो हम रीड करके एक बार देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। पहला है 7, 13, 19 और लास्ट में 205 है। सेकेंड वाले में 18, 15, 1/2, 13 एंड -47। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखते हैं 7, 13, 19 और 205 है। तो देखने से हमें ये क्लियरली पता चलता है कि ए जो है वो 7 है और 7 और 6, 13, 13, 6, 19, इसका मतलब ये हुआ कि डी क्लियरली 6 है। तो जनरल फॉर्मूला को हम बैठा करके देखते हैं। ए प्लस एन माइनस वन डी इज इक्वल टू एन, ए एन में हम मान पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 7, एन माइनस वन को छोड़ देंगे और डी इज इक्वल टू 6 बैठाने के बाद में ए एन इज इक्वल टू 205 बैठाएंगे। तीसरे लाइन में ये हो जाएगा a माइनस वन इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7 हो जाएगा और चौथे लाइन में n माइनस वन इज इक्वल टू 198 बाई 6 हो जाएगा और काटने के बाद n माइनस वन इज इक्वल टू 33 हो जाएगा और आखिर लाइन में n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34 जैसा कि हम पहले करते थे और इस तरह से इसका आंसर 34 हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी के जो दूसरा पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं 18 जो है वो a है, 15 1/2 सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म 13 है और लास्ट में -47 है। क्लियरली ए 18 है लेकिन डी में थोड़ी मेहनत है, तो हम सेकेंड टर्म यानी 15 1/2 से -18 को घटाएंगे और सॉल्व करने के बाद डी हमें -5/2 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड लाइन में सभी मान को हम बैठाएंगे, ए 18 बैठाएंगे, डी -5/2 बैठाएंगे, ए एन -47 बैठाएंगे और ए एन -1 को छोड़ देंगे। इसके बाद तीसरे लाइन में 18 को दाहिनी तरफ माइनस करके ले जाएंगे और चौथे लाइन में दाहिनी तरफ -47 -18 जो मिलेंगे उन्हें जोड़ देंगे। जोड़ने से क्या होगा, -65 मिल जाएगा। फिर दाहिनी तरफ -5/2 को मल्टीप्लाई सिंबल देते हुए पलट करके लिखेंगे और हम आसानी से इसको सॉल्व करने के बाद में हमें 13 मिलेगा काटने के बाद में, 13 दूना 26 और उस 26 में जब 1 जोड़ देंगे तो n हमें 27 मिल जाएगा। तो आपको ये क्लियरली पिछले जो सम हमने बारी बारी बताए थे ये भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।